हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे और सबकी मॉर्निंग गुड होगी। और यहाँ से शुरू हो रही है मेरी मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन कि सुबह उठ के मैं दोपहर तक क्या करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे नानी जगाने आई हैं, जो कि कभी कभी नानी जगा देती हैं, कभी कभी मैं अपने मन से भी जग जाती हूँ। और आज नानी जगाने आई हैं क्योंकि अब सर्दी होने। फर्स्ट है और मैं पहले ना अपने पर्दे चेक करा करती हूँ कि कितनी धूप निकल आई है, उसके बाद फिर मैं उठती हूँ। उठने से कुछ नहीं है, लेकिन वो एक हैबिट बनी है डेली की चेक करने की। और यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं जाऊँगी अपने कमरे की विंडो के कर्टन्स ओपन करने, क्योंकि वहाँ से जितनी ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे कमरे में दोनों साइड खिड़की हैं, तो दोनों साइड का बहुत अच्छा व्यू आता है अभी इस कमरे घर में किसी। और सबसे पहले मैं आ गई हूँ मिरर के सामने, जो कि मैं अपने बाल सबसे पहले सेट करती हूँ क्योंकि रात में इतने फैल जाते हैं। और जबकि मैं चोटी बांध के लेटती हूँ, मैं खुले बाल करके कभी भी नहीं लेटती। मैं डेली नाइट में चाहे जितना लेट हो जाए, मैं अपनी चोटी कंप्लीट करने के बाद ही सोती हूँ, क्योंकि खुले बाल में मुझे नींद भी नहीं आती है। और यहाँ पर मेरी बेडशीट भी सेट हो गई। और अभी ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ अपनी स्किन के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि तो और अपने फेस में क्या यूज करती हो। तो जो मेरे फेस में ना पिंपल निकल रहे थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। और बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं घरेलू नुस्खे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी, कभी अपने फेस पर नीम लगा रही हूँ तो कभी चंदन लगा रही हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हुआ। और फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया क्योर स्किन ऐप के बारे में। और जब मैं क्योर स्किन ऐप में गई, तो वहाँ पर मेरे स्किन डॉक्टर से लाइव चैट भी चली और मुझसे कई सारे क्वेश्चन पूछे, मतलब कि मेरे स्किन के बारे में। आप बगल में देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि आपके स्किन में क्या प्रॉब्लम है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपकी एज क्या है और आपका खान पीन कैसा है, मतलब कि आपसे ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और इसके बाद फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि अपने फ्रंट फेस की और साइड फेस की फ़ोटो भी। अब इस डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी ना, तो उन्होंने मुझसे एक फ़ोटो फिर मेरे डॉक्टर ने एनालाइज करके, मतलब कि मेरे स्किन को चेक करके बताया कि कहाँ कहाँ पर मार्क्स हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम मुझे बता। और फिर मुझे कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन किट मिली, जो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग बनी थी, मतलब कि जो मेरी प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग बनी थी। इसकी प्रोडक्ट मैं एक हफ्ते से यूज कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अपनी स्किन पे इम्प्रूव आया है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये प्रोडक्ट जो है एकदम नेचुरल है, इससे कोई भी अपनी स्किन पे यूज कर सकता है। कि आप यहाँ पर अपनी स्किन का एंड हेयर का चेकअप भी करा सकते हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको उसकी कोई फीस नहीं देनी है यहाँ पर। और ये है क्योर स्किन फेस वॉश, जो मैं डेली यूज करती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने, इसके बाद फेस को ड्राई करने के बाद मैं लगाऊंगी अपने फेस में मॉइस्चराइजर, जो है क्योर स्किन मॉइस्चराइजर। और इसके बाद अगर आप भी ये प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर डॉक्टर से बात करनी होगी और आपकी प्रॉब्लम के अनुसार वहाँ पर डॉक्टर आपको पूरी किट तैयार करके देंगे, जो कोई आपको सजेस्ट होगी। अगर आप लोग भी क्योर स्किन से मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरा कोड कूपन कोड भी मिल जाएगा, जो कि है नंदिनी 100, जिसे यूज करके आप लोग 100 रुपये का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और वो सिर्फ क्वेश्चन पूछ के ही आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, वो आपसे प्रॉपरली आपकी फ्रंट फेस एंड साइड फेस की फ़ोटो भी लेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो रेड सर्कल में मार्क हो जाए, फिर वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन किट देंगे। और एवरी 50 to 20 days में यहाँ प्रॉपरली फॉलो अप कंसल्टेशन होगा, जिसमें डॉक्टर बीच बीच में आपको आपका चेकअप करेंगे, आपकी स्किन को एनालाइज करते रहेंगे और आपकी स्किन को मतलब कि चेक करते रहेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी है। और आपको यहाँ पर डाइट प्लान भी मिलता है, जो कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग बना हुआ रहता है। और डॉक्टर स्पेशल आपके लिए ये भी बताते हैं कि मतलब कि आपको सुबह क्या खाना है, रात में क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, ये सारी चीज़ें आपकी जो भी हैं वो डाइट में इंक्लूडेड रहती हैं। और मैंने इसकी लिंक भी दी हुई है, जब आप मेरे टाइटल पर टैग करेंगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें सबसे ऊपर वो लिंक दी हुई है, जिसके थ्रू आप जाके क्योर स्किन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एंड फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिन करके रखा हुआ है, तो आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं लेती हूँ एक गिलास पानी नॉर्मल, जो मैं डेली लेती हूँ। वैसे गर्म लेना चाहिए लेकिन गर्म अच्छा नहीं लगता, इसलिए नॉर्मल पानी ही पी लेती हूँ। इसके बाद फिर चाय पीती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े चेंज करने, नाइट सूट उतार के रख दूँगी, अपने लोअर टी शर्ट पहन दूँगी। मैं ये सब रात बस मैं ही पहनती हूँ। और यहाँ पर चल रही है मेरी पढ़ाई, जो डेली सुबह आधा एक घंटा चलती है, मतलब कि ये तो टाइम पर डिपेंड होता है, जब जितनी टाइम रहता है मेरे पास उतना सुबह मैं पूरा देती हूँ पढ़ाई में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत में, छत में डेली तो नहीं जाते हैं, आज मन बन गया तो जा रहे हैं ना नानी। हाँ वैसे शाम को भी डेली नहीं जाते, कभी कभार चले जाते हैं अभी, लेकिन आज सुबह जल्दी था तो थोड़ा सा मन के ऊपर भी घूम आते हैं, छत में नानी भी घूमाएंगी ना मैम। हम 0 पे आ गए, वो बंद हो गए, अब तो वो ऊपर जाएगी सीधे, नहीं आ पाए जिनको आना था अंदर। छत में आ तो गए हैं घूमने, लेकिन छत में ना बहुत ठंडी हवा चल रही है, हाथ पैर हो गए, सर्दी लग रही है, मतलब कि वैसी सर्दी नहीं होती है यहाँ पर, लेकिन हवा की ठंडी है, जब हवा ठंडी आ रही है तो सर्दी भी उसी की लग रही है। छत में आओ तो फुल कपड़े पहन के आओ, हाफ कपड़े पहन के नहीं आओ हमारे तरीके, नहीं तो हवा लग रही है, और सुबह सुबह की और ठंडी ठंडी हवा चलती है वैसे। और यहाँ पर मेरी और नानी की चल रही है वॉक, जब छत में आए तो सो जा, थोड़ा देर टहल ही लेते हैं क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। पार्क नहीं है, पास में की जाके घूमाना, तो देखो वो एक पार्क बना है समोसे के डिजाइन में, हाँ तो उसमें ना अभी वो नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ, कुछ बना नहीं है, मतलब कि इस पे लेन एक रास्ता सी बनी है, तो उसी में दो चार लोग जाके टहलाते हैं ना, रास्ता है, हाँ रास्ता रास्ता ही बनी है। आज धूप अच्छी निकली है नानी, सुबह सुबह से बादल, हाँ बादल आदल नहीं है, नहीं तो डेली अच्छी धूप निकलती थी कभी कभी, कि बादल रहते थे ज़्यादातर, लेकिन दो दिन से धूप एकदम खुली निकल रही है ना। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अनुलोम विलोम, जो कि मुझे आता है लेकिन मैं कभी कभी करती हूँ, डेली नहीं करती। सुबह इतने जल्दी उठे थे फिर भी घूम ही रहे हैं, नहा धो कुछ नहीं पाए, यहाँ पर देखिए लोगों के इतने सारे कपड़े भी धुल गए, पूरी छत भरी हुई है। कल के हैं, कल रात के हैं, सॉरी वही मैं कहूँ, सुबह इतनी जल्दी से कहाँ से इतने सारे कपड़े धुल लिए। हमें 25-30 मिनट हो गए छत में आए हुए, अब हम जा रहे हैं नीचे, नीचे जाके सबसे पहले पिएंगे चाय। और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने, ये रही मेरी चाय, तो आप लोग भी। और अभी टाइम हो रहा है 10
10:15 और मैं जा रही हूँ अब नहाने और उसके बाद आगे। और मैं अभी आ गई हूँ नहाकर और सबसे पहले जाऊँगी मंदिर में पैर छूने एंड उसके बाद और जाऊँगी नाश्ता करने क्योंकि भूख भी लगाई है और आज वीडियो बनाने के चक्कर में काफ़ी लेट भी हो गया है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है, नानी अभी पूजा करके गई हैं तो दीपक भी जल रहा है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते में बनाया है आज दलिया नमकीन वाला, तो मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही हूँ। नानी जी कर चुकी हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही नहा लिया था, मैं ही लेट हो गई थी। अब इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपना वीडियो एंड। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो आप लोगों को आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। और अभी टाइम हो रहा है 6:00 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ सबसे पहले अपना फेस वॉश करने, ब्रश करने, उसके बाद